हम तो बिग बॉस के जिंदगी पर आभारी रहेंगे, और सलमान सर को हम बहुत मानते हैं, उनको अपने फेवरेट मानते हैं। बॉस ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो मेरे लाइफ को एक ऐसे मतलब चेंज कर सकता है। बिजी, इतना ज़्यादा बिजी शायद लाइफ में कभी नहीं रहे जितना इन दिनों बिजी हैं। नहीं नहीं हमारा प्यार तो ऐसे नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्यार नहीं। बहुत बहुत बिजी चल रही है, अच्छी चल रही है, मस्त। हाँ तो घर को कितना मिस कर रही है, वो बिग बॉस का हाउस जो इतना हेक्टिक शेड्यूल, यू नो कुछ ना कुछ करते रहना हमेशा, सोना नहीं है दिन में, वो कितना मिस कर रही है? सच कहें मिस इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर आके भी जो लोगों से प्यार मिल रहा है, और जितना बिजी अंदर थे बिग बॉस हाउस के अंदर, और कहते थे कि जब बाहर जाएंगे तो सबसे पहले 4 दिन सोएंगे अच्छे से, ये करेंगे, बट लाइफ कहीं ना कहीं जितना बिजी हम अंदर थे उससे बाहर उससे डबल हो गया। मतलब अब भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बिजी, इतना ज़्यादा बिजी शायद लाइफ में कभी नहीं रहे जितना इन दिनों बिजी हैं, और बहुत सारे चीज़ों को लेके तो मिस नहीं कर रहे हैं। बट हाँ ये है कि बिग बॉस से बहुत कुछ यादें जुड़ी है, तो वो सब देख के सोच के अच्छा लगता है। और साथ ही ये भी पूछना चाहूंगा, लाइक हम सभी तो जानते हैं बिग बॉस ने आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले किया, राइट? और इतनी ह्यूज अमाउंट में आपको पॉपुलैरिटी मिली, लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस प्यार को, इस यू नो अंदाज को जो लोग आपकी तरफ दिखाते हैं? बहुत, हम तो बिग बॉस की जिंदगी पर आभारी रहेंगे कि बिग बॉस ने मुझे बिग बॉस में आने का मौका दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा लाइफ अभी जो भी चेंज हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, वो बिग बॉस की वजह से। क्योंकि बिग बॉस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी रियल पर्सनालिटी को दिखा सकते हैं, और मुझे हमेशा से ऐसे बिलीव था कि बिग बॉस ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो मेरे लाइफ को एक ऐसे मतलब चेंज कर सकता है, क्योंकि और कोई ऐसा रास्ता नहीं है लाइफ में, कोई गॉडफादर नहीं कि शॉर्टकट वे में पकड़ के इधर उधर। तो बिग बॉस इसलिए हम हमेशा से करना चाहते थे कि मुझे लगता था कि मुझे वहाँ पसंद किया जाएगा, जो जैसा सोचे थे वैसा हो रहा है। तो बिग बॉस 17 का अगर ऑफर आता है तो क्या मनीषा एक्सेप्ट करेंगी, या एलविश की तरह कहेंगी कि इस बार नहीं अगली बार देखेंगे? बिल्कुल, हम लोग का भी कहीं ना कहीं यही थिंकिंग है कि हम बिग बॉस ज़रूर, अगर अभी बिग बॉस से कभी भी ऑफर आता है तो ज़रूर करना चाहेंगे, बट थोड़ा रुक के, क्योंकि अभी क्या ना, अभी जो बिग बॉस आएगा वो 1 महीने बाद ही आ जाएगा, तो इससे अभी निकल के हम लोग का इतना सारा काम पे बात चल रहा है, तो मेरा ये हम लोग का भी मानना है, चाहे एल्विस हो या कहीं ना कहीं, हम लोग यही सोच रहे हैं कि पहले थोड़ा इससे रिकवर कर लेते हैं, थोड़ा ऑडियंस का प्यार ले लेते हैं, फिर कभी और मौका मिलेगा मे बी अगले साल तो ज़रूर जाएंगे। साथी एक सवाल और पूछना चाहूँगा मनीषा आपसे, लाइक स्टार्टिंग में जब आप बिग बॉस के अंदर गई थी, 2 हफ्ते सिर्फ मनीषा 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 मनीषा, सारे जो बाहर थे लोग, यू नो सारे सारे की जुबान पे सिर्फ मनीषा थी, 2 हफ्ते के बाद मनीषा को क्या हो गया, मनीषा थोड़ी स्लो होती नजर आई, तो मनीषा की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। मेरा ये मानना है कि जब वीकेंड के वार पे आके आपको तारीफ मिलता है सलमान सर से या फिर बिग बॉस के मेकर से, जो भी सलमान सर करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऐसे बढ़ जाता है कि यार मुझे तारीफ मिला है और करने में अच्छा लगता है। बट शायद 2 हफ्ते के बाद आपने देखा होगा कि वीकेंड का वार पे भी मुझे कुछ बोला जाता था कि आप ऐसे खेल रहे हो या फिर वैसे खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस मोमेंट पे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, और हम जितनी फ़नी है उतनी ही इमोशनल भी है, और सलमान सर को हम बहुत मानते हैं, उनको अपने फेवरेट मानते हैं, तो मेरा ऐसा था कि सलमान सर जब भी ऐसे जाके मुझे वीकेंड का वार पे आके बोलते थे ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता था, और फिर चीज़ों पर हम सोचने भी लगते थे कि क्या पता शायद जो हम कर रहे हैं, ऐसे कॉन्फिडेंस था कि हम सही ही कर रहे होंगे, बट फिर भी एक होता ना कि बाहर से फीडबैक आ रहा है, सलमान सर बोल रहे हैं, बिग बॉस से आ रहा है, तो कुछ हो सकता है, इसलिए कभी अप्स एंड डाउन हो जाता था। अभिषेक की मैं बात करूं अगर, तो अभिषेक स्टार्टिंग से आए थे, स्टार्टिंग से ही दिबांग सर ने उनके बोला थोड़ी हवा जो भरी है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा कम करिए, और थ्रू आउट हिज जर्नी उनको यही कहा गया कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। उन्होंने अभिषेक ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि यू नो वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता, यू नो वाइल्ड कार्ड कभी जीता नहीं है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि यही ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो शायद अभिषेक को यू नो विनर बनाने से रोक गया?
नहीं, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं उसमें वो विनर की क्वालिटी थी। एक होता है ना कि इंसान जब तक खुद में नहीं वो समझेगा कि जैसे स्टार्टिंग से हम बोलते हैं इस पूरे सीजन में सबने मुझे फेक बोला, पर हम हमेशा बोलते थे नहीं यार हम रियल है, रियल है, क्योंकि एक अंदर से आपको फील होता है। तो अगर आप खुद को एक विनर समझते हो तो आपको वो खुद में बोलना पड़ेगा। अगर आप 10 के सामने ऐसे डंके की चोट में कह सकते हैं कि नहीं विनर हम बन सकते हैं क्योंकि आपको फील हो रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो मेरा मानना है कि उसका ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, कहीं ना कहीं उसने वैसा किया है कि उसको लग रहा था कि हाँ हम विनर बन सकते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं बोलेंगे। मेरा मानना है कि जैसे समटाइम हम भी एक बार वीकेंड के वार पे मुझे बोला गया था कि आपने बैग पैक क्यों नहीं किया, सलमान सर ने मुझे सुनाया भी था, तो मुझे वो अंदर से फील आ रहा था कि नहीं मैंने जो इस बिग बॉस में किया है हम नहीं डिजर्व करते अभी बाहर जाना, तो उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस होता है, बट लोगों को वो लग जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो बट मुझे नहीं लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस था। हाँ, उसको खुद पे उसके जर्नी पे उसको विश्वास होगा कि हाँ वो जो कर रहा है वो विनर बन सकता है। एलिशा दो चीज चल रही थी, जिसको जो मन करे वो आपका नाम दे, एलविश के साथ आपका नाम लाइक बहुत ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा कि हमारी दोस्ती को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, हमारी बॉन्डिंग को इतना पसंद कर रहे हैं, और हर जगह हैशटैग में मनीषा, एलविशा, अभिषा, अच्छा लगा मुझे देख के बहुत कि ऑडियंस से इतना प्यार मिल रहा है। अच्छा, एक दिन पहले आपने वीडियो डाला जो अभी ट्रेंडिंग में भी है, काफी 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है, एलविश को उसमें आपने कहा कि प्यार तो करती हूँ मैं आपसे, जवाब उनका कुछ डिप्लोमेटिक सा आया है? नहीं नहीं, उनको पता है कि हम घर के अंदर भी उनसे मजाक मस्ती करते थे, अभी भी करते हैं, तो वो उसको उस चीज़ में लेते हैं कि उसको पता है, वो बोले थे तू अभी भी नहीं बदली, तू अभी तो एकदम सेम वैसी ही है, तो इसीलिए उसको समझ में आता है कि हम मजाक करते हैं उससे। लोगों ने तो कुछ अलग पर्सपेक्टिव बना लिया है, लाइक लोगों के मन में तो भाई क्या और एलविश ऐसा प्यार 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 नहीं नहीं हमारा प्यार तो ऐसे नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्यार नहीं है, नहीं बिल्कुल प्यार नहीं। अच्छा, एक टास्क के दौरान पूजा जी ने जब कहा था सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला के छोटे लोग छोटी सोच, एक बंदा था अभिषेक, वो खड़े हो गए कि भाई ऐसा नहीं बोल सकती है, आपने भी थोड़ी बहुत बातें उसमें कही थी, लेकिन ज्यादा कुछ किसी ने नहीं कहा, एक ही बंदे के अंदर हिम्मत थी वो खड़े होकर बोल, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, पूजा को कहना चाहिए था कि छोटे लोग? नहीं नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर आपकी लड़ाई होती है तो आप अपने तक सीमित रखिए, आप एक के साथ सबको नहीं पीस सकते, और कहीं ना कहीं अगर अभिषेक ने उस टाइम बोला तो यही रीज़न है कि बाहर लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इवन इसी रीज़न से हम भी उसको ज़्यादा पसंद करते थे कि जो कोई और दम नहीं रखता है उनके सामने बोलने का तू बोल देता है, तो कहीं ना कहीं यही क्वालिटी है कि लोग अभिषेक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल, एलविश के साथ अभिषेक के साथ कोई गाना आ सकता है? क्योंकि अगर कोई गाना आता है मुझे लगता है 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन ऐसा। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल जब भी ऐसा मौका मिलेगा चाहे वो एल्विश हो या फिर अभिषेक हो, साथ काम करने का तो हम जरूर करेंगे। अच्छा, गेट टुगेदर करने का कुछ प्लान किया? अभी बातें चल रही, क्योंकि बहुत एक होता ना हम भी अपने लाइफ में बिजी, सब तीनों को अपना अपने लाइफ में बहुत बिजी है, तो आने वाले फ्यूचर में मतलब कुछ दिनों बाद शायद हम मिल लें, लेकिन फिलहाल क्योंकि मुझे भी बिहार जाना है, मुंबई में प्रोजेक्ट है, उन लोग के दिल्ली में प्रोजेक्ट है, तो फिलहाल हम लोग अपने अपने लाइफ में बिजी बहुत ज़्यादा है, मिलना सब चाहते हैं बट काम के वजह से भी मिल नहीं पा रहे हैं। बस फैंस को यही कहेंगे कि आप लोग ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए, और हम भी पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से जितना हो सके आप लोग को हंसाएं, आप लोग को इंटरटेन करें, और बस थैंक यू।